चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाही चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कर्नाटका स्टेट के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट ने जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए एक लास्ट चांस दोबारा से ओपन किया है। जिन्होंने अभी तक कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो आज 5 जनवरी 2022 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें आपको मार्क्स अपलोड करने हैं, उसके अलावा एक सिंगल पीडीएफ जिसमें 10th, 12th और नीट स्कोर कार्ड अपलोड करना है, उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट ले लेना है। तो इसमें जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है सिंगल पीडीएफ में उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके लिए यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद में कैप्चा फिल करने के बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 12th के रोल नंबर फिल करने हैं और बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे कि CBSE बोर्ड है या RBSE बोर्ड है या BR बोर्ड है, कोई सा भी जो बोर्ड है आपका उसका नाम आपने फिल करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट्स 12th के मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं और ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं आगे वाले कॉलम में। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स लिखने हैं। इसके बाद में अगर आपकी लैंग्वेज दूसरी है, जैसे संस्कृत है, कनाडा है या हिंदी है, अदर है, तो यहाँ उसके फिल करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तो उसके, बायोलॉजी है तो उसके, अदर में दूसरे सब्जेक्ट के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीन सब्जेक्ट के तो फिल करने ही करने हैं। यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आपने यहाँ पर फिल करने हैं, टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको एक सिंगल फाइल अपलोड करनी है, तो यहाँ पर आप यहाँ सेलेक्ट करके जो कंप्यूटर में आपकी जिस लोकेशन में फाइल पड़ी है उसको सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कर दें। अपलोड पर क्लिक करने के बाद में अगर आप सेंट जोन में एडमिशन लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन उसमें चाहते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अपलोड करने हैं। अदरवाइज सेंट जोन में रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो चर्च द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं, उन कैंडिडेट के लिए है ये सेंट जोन में जो एडमिशन लेना चाहते हैं। जो सेंट जोन में ओपन कोटा की सीट है उनके लिए इस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें सिक्योरिटी कोड आपको फिल करना है और उसके बाद में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में एक्नॉलेजमेंट का आपने प्रिंट ले लेना है क्लिक करके इस पर। तो इस प्रकार से जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स को। और इनकी जो डेट है वो 8 जनवरी 2022 है लास्ट डेट। 8 जनवरी 2022 तक आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, मार्क्स इंट्री कर सकते हैं। इसके बाद जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो आज शाम 8 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 5 तारीख को ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूजर पर क्लिक करना है साइट पर जाने के बाद में, और फिर आगे आगे स्टेप्स में आपने रजिस्ट्रेशन करते रहना है। इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये एक कर्नाटका स्टेट का अपडेट था। अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कर्नाटका स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये मार्क्स एंट्री कर दें और ये फाइल अपलोड कर दें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।